नमस्कार, मैं हूं सोनू और आप देख रहे हैं मीडिया दर्शन अखबार का यूट्यूब चैनल। बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री और चेनारी विधानसभा के विधायक मुरारी प्रसाद गौतम अपने ही क्षेत्र के गुप्ता धाम दर्शन करने गए थे, लेकिन मंत्री जी का जो स्वागत होना चाहिए वह नहीं हो पाया और दर्शन करने के बाद मंत्री जी को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा। इसीलिए मंत्री जी ने अपने ही सरकार के अधिकारी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। आपको बता दें कि सावन माह का अंतिम सोमवारी के दिन चेनारी विधानसभा के अंतर्गत कैमूर के तलहट्टी में गुप्ता धाम को दर्शन करने पहुंचे पंचायती राज्य मंत्री ने विधि व्यवस्था को देखते हुए जिला प्रशासन और जिला के वरीय अधिकारियों पर जमकर निशाना साधा और कहा कि जिले के एक जज आते हैं तो उनके लिए ऑक्सीजन का 20 सिलेंडर खोला गया, लेकिन वह जब बिहार सरकार के पंचायती राज्य मंत्री आते हैं तो कमेटी के द्वारा केवल 4 ऑक्सीजन सिलेंडर खोले गए। क्या कुछ कह रहे हैं, पहले आप इस बयान को सुनिए। यहाँ गुफा के अंदर जो व्यवस्थाएं हैं कहीं न कहीं पूरी तरह से, जिस तरीके से भी हम ऑपरेटर की बात सुने, अब तो सिस्टम पे क्या कहा जाए, सिस्टम तो पूरी तरह से यहाँ की फेल है। यहाँ की कमेटी हो या अध्यक्ष के एसडीओ होते हैं, क्या इनके द्वारा व्यवस्था की जाती है और कैसे यहाँ पे व्यवस्था बनाई जाती है, किसी अधिकारी पदाधिकारी को भी रखते हैं कि नहीं यहाँ व्यवस्था देखने के लिए, मुझे तो नहीं पता चला। कोई पदाधिकारी कोई कर्मचारी यहाँ नहीं दिखाई पड़ा। और जो कर्मी यहाँ पे जो ऑक्सीजन सिलेंडर का जो खोलता है, जो ऑपरेटर है, उसका कहना है कि अगर जज आते हैं, इससे पहले के एक जज आए हुए थे, 1 घंटे में 20 सिलेंडर खोली गई थी और आज मंत्री पंचायती राज के नाते मैं यहाँ पहुँचा हूँ, मेरे कंचनजी क्षेत्र में एरिया है, 4 सिलेंडर खोला, वो भी मेरे सामने खोला। उससे पहले कई श्रद्धालु आए गए, एक भी सिलेंडर यहाँ नहीं चल रहा है। सर, पंचायती राज मंत्री हैं अभी आप और इसके बाद भी यहाँ प्रोटोकॉल के तरह ऑक्सीजन नहीं खोला गया, ये तो काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण है, यहाँ पे तो पूरी सिस्टम यहाँ जो कमेटी बनाई गई है, अब किस तरीके का कमेटी है और कमेटी का क्या रोल है, अब मुझे नहीं समझ में आता कि कमेटी अपनी जिम्मेवारी को जवाबदेही को समझता है कि नहीं समझता। और इस कमेटी के अध्यक्ष एसडीओ होते हैं, एसडीओ को भी इसकी निगरानी करनी चाहिए, बीच बीच में क्या स्थितियाँ हैं, क्या इस मामले में कोई कार्रवाई। निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई होगी, मैं जिलाधिकारी से बात करूंगा और आगे भी बात करूंगा। सर, गुप्ता धाम श्रद्धालुओं के लिए दुर्गावती जलाशय परियोजना से एक सड़क मार्ग है, उसके बारे में सर। सड़क मार्ग जो दुर्गावती जलाशय से आ रही है, वन विभाग के द्वारा उसमें कार्य प्रारंभ हो चुकी है। पक्की कालीकरण तो नहीं हो सकती क्योंकि सेंचुरी और अभी टाइगर रिजर्व भी होने जा रहा है एरिया, तो उसमें वन क्षेत्र में जो पत्थर है उसी को काट करके लगाया जा रहा है ताकि आने जाने में श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, गाड़ी घोड़ा जो भी उनकी आती है उसमें कहीं। श्रद्धालुओं के साथ भी वन विभाग के द्वारा सर गेट पे कुछ दिक्कतें की जाती है, इस तरह की दिक्कतें आती है मेरे संज्ञान में नहीं, अगर कुछ ऐसा मामला है अगर आप दीजिएगा तो निश्चित तौर पर उस पर भी हम बात करेंगे, उनका कुछ पदाधिकारियों से उनकी कार्रवाई निश्चित तौर पर। जैसे कि अभी आपने पंचायती राज्य मंत्री का बयान सुना, समझ सकते हैं कि सुशासन बाबू की सरकार में जहां उनके अधिकारी ही मंत्री का ख्याल ना रखते हो तो आम जनता का क्या होता होगा। फिलहाल उन्होंने कहा कि इस मामले में मैं जिला अधिकारी से बात करूंगा। बाकी तमाम आप ऐसे ही खबर देखने के लिए मीडिया दर्शन के साथ बने रहिए, तब तक के लिए दीजिए इजाजत, धन्यवाद।